तेउथर तहसील के चौकघाट बॉर्डर सीमा पर पहुंचे प्रयागराज के नवागत एसपी अजय कुमार पांडे। बॉर्डर सीमा का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पूरा मामला तेउथर तहसील के चौकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकघाट बॉर्डर की है, जहां प्रयागराज के नवागत एसपी अजय कुमार पांडे द्वारा आज भ्रमण कर बॉर्डर सीमा में व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने आदेशित किया है। वहीं मीडिया से वार्तालाप के दौरान प्रयागराज के नवागत एसपी अजय कुमार पांडे द्वारा अपराधियों एवं माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कड़ी कार्रवाई की बात की है। इस दौरान चौकघाट थाना प्रभारी सहित विभिन्न थानों की पुलिस भी रही मौजूद। मैं अजय कुमार, SSP प्रयागराज। यहाँ पे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसी में कुछ ऐसे इनपुट भी मिलते रहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश बॉर्डर से अवैध शराब, अवैध गांजा, चरस इत्यादि की सप्लाई हो सकती है। उसी के कारण से बॉर्डर मीटिंग इत्यादि हम लोग कर रहे हैं लगातार। मैं यहाँ पर बॉर्डर पर आया हुआ हूँ और हमारे जो चौकघाट थाना लगता है रीवा ज़िले का, उसके प्रभारी अरविंद यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे बातचीत की गई है, इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, टाई अप कराया जा रहा है। रीवा के SP साहब से भी वार्ता हुई है, उनसे भी बॉर्डर मीटिंग की गई है। हमारी सब तैयारियाँ यहाँ पे कंप्लीट हैं और जैसे ही कोई सूचना मिलती है हम पास करेंगे और कोई भी अपराधी, तस्कर, माफिया बच के नहीं निकलने पाएगा। उसका जो भी अवैध शराब या अवैध NDPS वगैरह है उसको जब्त किया जाएगा, उसको जेल भेजने की कार्रवाई मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस मिल के करेगी। किसी को कतई यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि सर अभी आप प्रयागराज में अभी नए सामान संभालने, क्या जानकारी, मैसेज क्या देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? हाँ, मैंने 4 जनवरी को चार्ज लिया है SSP प्रयागराज का। बहुत बड़ा ज़िला है, 75 लाख के आसपास आबादी है, 41 थाने हैं, बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, उसको अच्छे से निभाऊंगा पूरी मेहनत से, लगन से। और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जैसे ऑपरेशन कुंडली, ऑपरेशन शिकंजा, ऑपरेशन चक्रव्यूह जैसे अभियान चला करके अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। किसी भी अपराधी, तस्कर, माफिया को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सबकी कुंडली खंगाल करके उनके अवैध और काली कमाई को जब्त किया जाएगा और आम जनता को राहत पहुँचाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस के प्रति मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस अगर दुर्व्यवहार करती है आम जनता के साथ तो पुलिस पर भी सख्ती की जाएगी और किसी भी दोषी को, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा।